तो मेरे जिगर के टुकड़ों सुनो, अपन रिवीजन करने वाले हैं हेलो अल्केन हेलो अरेन बहुत तगड़े तरीके से। इससे बाहर ना पेपर में आया है ना आएगा, तो मजाक लग रहा होगा, थोड़ी देर टिके रहो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। रिवीजन मैंने लिखा है, भले ये रिवीजन नहीं है, पूरा कंप्लीट लेक्चर होगा। ध्यान दो, पहले जो जो मैं बोल रहा हूँ ईमानदारी सीखते, देखो तुम बोलोगे कि भाई बिल्कुल बेसिक से बताओ, हम तो बेसिक से जानेंगे, बेसिक से सुनो, फटाफट टाइम नहीं लगेगा। देखो हेलोजन को क्या समझोगे, हेलोजन को हम हेलो बोला करेंगे जनरली, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन काम की बात करेंगे, इनको बोलते हैं हेलोजेंस। क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। अच्छा, अल्केन में क्या जनरली सिंगल बॉन्ड वाले, जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले होंगे अल्केन होंगे, CH4 भी अल्केन के टाइप में आएगा, इसको मिथेन बोलते हैं, इसको इथेन बोलते हैं, ठीक है। और अरीन्स में जनरली कैसे होते हैं, एरोमेटिक वाले, वो छोड़ो काम की बात करते हैं, आपको बेंजीन वाले दिखाए थे, समझ जाना कि अरीन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कहानी आगे क्या है, आगे क्या देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर हेलो मतलब हेलोजन, अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, देखो ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं, हेलोजन से जोड़ दिया तो हेलो अल्केन कहलाएगा, ये सारे हेलोजन से जोड़ दिया तो ये हेलो अल्केन है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो हेलो अरेन्स, यानी अरेन्स यानी बेंजीन, जो न्यूक्लियस है बेंजीन, ये बेंजीन, उसको फ्लोरीन से जोड़ दो या क्लोरीन से जोड़ दो, ब्रोमीन से जोड़ दो या आयोडीन से जोड़ दो, वो कहलाएगा हेलो अरेन्स। क्या कहलाएगा? हेलो अरेन्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, आगे ना और कहानी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। देखो विच इज हेलो अरेन्स, मैंने बोला कौन सा हेलो अरेन है, अरेन मतलब बेंजीन रिंग होना चाहिए, ठीक है भाई, तो बेंजीन रिंग यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्या हेलोजन होना चाहिए, यहाँ भी हेलोजन है, यहाँ भी हेलोजन है, यहाँ भी हेलोजन है, तो क्या सारे हेलो अरेन है? तो नहीं, ये वाला हेलो अरेन नहीं है। उसके पीछे क्या लॉजिक है? उसके पीछे लॉजिक ये है कि बेंजीन वाले रिंग से ये डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, तो इसको हेलो अरेन नहीं बोलेंगे। अब मैं बोलूँगा कुछ बातों रट लो, आप बोलोगे सर आप रटवा रहे हो, हाँ रट ले भाई रट ले, एग्जाम में रट ले, देख याद कर ले, बहुत यूज़ होता है विनाइल, विनाइल बहुत यूज़ होता है, और ये कम रिएक्टिव होता है। कम रिएक्टिव क्यों होता है? जब भी डबल बॉन्ड हो और उसके बगल में सिंगल बॉन्ड हो और उसके बगल में हेलोजन हो, तो ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न है यहाँ पर रेजोनेंस के कारण जो इसका इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आ जाता है, जिसके कारण यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है। देखो ये सिंगल नहीं है, डबल है, अगर डबल है तो ये टूटेगा नहीं और ये कम रिएक्टिव हो जाता है। ध्यान कर, इसको विनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनाइल। और ये कम रिएक्टिव होता है। देख अब अलाइल जो है, अलाइल, अलाइल इसके कंपेयर में, इस वाले कंपेयर में ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के बाद सिंगल है, फिर सिंगल है, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो पाता है, लेकिन इसको अलाइल बोलते हैं, याद रखना है। सबसे कम रिएक्टिव ये, फिर ज़्यादा रिएक्टिव ये, इन दोनों में, इन दोनों में। आगे इसको बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोलते हैं? बेंजाइल, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेंजाइल, बार बार यूज़ होगा। जैसे मैंने बोला बेंजाइल क्लोराइड कहलाएगा, ये बेंजाइल क्लोराइड, ये अलाइल क्लोराइड, ये विनाइल क्लोराइड। अगर मैं आपसे बोलूँ बेंजाइल अल्कोहल, क्या बोलूँ मैं? बेंजाइल अल्कोहल, तो आप लिखोगे CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये काम की बातें कर ली। अब अगला देखो, अगला क्या है? डिग्री, डिग्री पहचानना है आपको। डिग्री देखो, ये क्लोरीन ना क्लोरीन, ये क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है, तो मैंने इसको कर दिया स्टार। यहाँ पर ये क्लोरीन जो है इस कार्बन से जुड़ा है, इसको कर दिया मैंने स्टार। यहाँ पर जो, यहाँ पर एक क्लोरीन था, चलो क्लोरीन लेते हैं, इसको क्लोरीन लिया मैंने, ठीक है। और एक यहाँ पर एक कार्बन और लेता हूँ, सुनो, ये जो क्लोरीन है क्लोरीन, वो इस कार्बन से जुड़ा है, इसको कर दिया मैंने स्टार। अब समझना देखो, अब स्टार वाला कार्बन एक से जुड़ा है तो 1 डिग्री, स्टार वाला कार्बन 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री, स्टार वाला कार्बन 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री। तो डिग्री समझ में आ गया, ठीक है। मैं सांस लेता हूँ, फिर आपको आगे करवाता हूँ। तो सुनो, अब आपने देख लिया हेलो अल्केन क्या होता है। हेलो अल्केन होता है CH3Cl वाला या RCl वाला। अब पढ़ेंगे भाई इसको बनाए कैसे, तुमने देख लिया बनाओ कैसे, तो बनाने का मेथड समझो। देखो बनाने हैं हमें पहले फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से हम हेलो अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैंने बोला है इंपॉर्टेंट, रट लो, इसको रटना है, जो मेथड बता रहा हूँ रटना है इसको, यहाँ भी लिख दिया रट लो, ये वाला भी रट लो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये इन दोनों से बनते ही बनते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो आंसर कैसे आएगा। देखो जहाँ जहाँ आपको OH दिखाई दे रहा है, OH को रिप्लेस करना है जो हमने डाला है, यहाँ Cl है, Cl से रिप्लेस करो, आंसर आ गया आपका CH3Cl। बताऊंगा और भी बहुत सारी बातें, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्या है, SO2 और HCl प्लस HCl, ये इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर ये साइड प्रोडक्ट तो इंपॉर्टेंट होता नहीं है, वो साइड में है पर इंपॉर्टेंट होता नहीं है, पर आज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे देखो PCl3 डाला, Cl लग गया CH3Cl, कोई दिक्कत नहीं है। PCl5 डाला तो CH3Cl लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेड फॉस्फोरस I2 डाला, I2, तो यहाँ CH3I लग गया, क्या लग गया? I, कोई दिक्कत नहीं, काम चल रहा है। हमें नहीं बनाना, क्या हमें यही सब तो बनाना है, बार बार ये बनाना है अल्कोहल से। अगला देखो BR डाला, BR लग गया, CH3Br लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ Cl डाला, Cl लग गया, CH3Cl। अब तुम बोलोगे सर आपने इस वाले को और इस वाले को रटने के लिए क्यों बोला है, उसके पीछे लॉजिक समझना। यहाँ पर देखो SOCl2 डालते हैं ना, SOCl2 डालते हैं, समझना कि मेरे पास अल्कोहल है, ध्यान देना, ध्यान देना, मेरे पास अल्कोहल है। अगर मैं इसमें डालता हूँ कोई कंपाउंड लाइक SOCl2, तो मुझे मिलता है RCl, यानी हेलो अल्केन मिल गया, और यहाँ पर मुझे मिलता है SO2 गैस और HCl गैस, समझना। बाकी जितने भी रिएक्शन है ना,
वहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट आएगा वो साइड प्रोडक्ट उड़ता नहीं है गैस बनके, तो उसको फिल्टर करना पड़ेगा। लेकिन इस वाले केस में क्या है, SO2 और HCl जो है ना उड़ जाता है गैस बनके, क्या बोला मैंने, उड़ जाता है गैस बनके, तो मैं फिल्टर करना नहीं पड़ता, इसीलिए ये होता है बेस्ट मेथड। इसको थायोनील क्लोराइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड। तो बोलते बताओ थायोनील क्लोराइड बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि भाई यहां से आपको अल्केन मिलेगा, प्योर अल्केन, और बाकी चीजें अपने आप उड़ जाएगी, फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। अब बोलोगे सर आपने बोला था इस वाले को भी रट लो, अरे सर इस वाले को भी रट लो, ऐसा क्यों सर? देखो सुनो, ये ना इसको आगे हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, इसको देखो समझना, इसको बोलते हैं देखो HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट, क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट। इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं चेक करने के लिए कि कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल है और कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल है। कैसे, मैं लिख के आपको समझाता हूँ। मैंने कहा था इसको रट लो, ऐसा क्यों कहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छुड़वा रहा हूँ, समझना। इस वाले में खास क्या है, इसको हमने नाम दिया, इसको नाम क्या दिया हमने, देखो अगला ये रहा, इसको बोला हमने लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट या लुकास रिएजेंट। ये करता क्या है, कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल का पता लगाता है, ऐसा क्यों, देखो समझना। देखो जब हम इस लुकास रिएजेंट को एनहाइड्रस ZnCl2 को और HCl को डालते हैं 3 डिग्री अल्कोहल में, 3 है देखो इसके बगल में, 3 है 3 डिग्री अल्कोहल में, तो फास्ट रिएक्शन होता है और क्लाउडनेस दिखाई देता है, टर्बिडिटी दिखाई देता है इमीडिएटली। लेकिन अगर हम डालते हैं इसको 2 डिग्री अल्कोहल में, देखो 2 डिग्री अल्कोहल में थोड़ा टाइम लेता है और ये स्लो होता है, और अगर 1 डिग्री अल्कोहल है आपके पास, 1 डिग्री अल्कोहल, तो इसमें तो भाई क्लाउडनेस दिखाई नहीं देता, और दिखाई देगा भी तो आफ्टर हीटिंग, हीटिंग के बाद कुछ टाइम बाद आपको दिखाई देगा। तो सबसे स्लो होता है 1 डिग्री में रिएक्शन, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। यानी कि अगर क्वेश्चन कभी भी आता है कि बताओ भाई यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल है, तो कैसे पता लगाओगे, तो आप कुछ नहीं करोगे। जैसे उसने ऐसे दे दिया, उसने क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि भाई ए बी सी बता कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है, तू डाल देगा लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट डालते ही क्या होगा, यहाँ पर तेरे को सबसे पहले जहाँ पर भाप क्लाउडनेस दिखाई देगा वो 3 डिग्री, जिसमें दिखाई नहीं देगा वो 1 डिग्री, और बचा हुआ 2 डिग्री। तो आई होप मैं समझा चुका हूँ आपको, फिर आगे बढ़ते। तो मेरे प्यारे बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए अगला मेथड देखते हैं प्रिपरेशन का, मैं कहूँगा रट लो, इस वाले को रट लो, हर चैप्टर में यूज होता है, आगे आने वाले हर चैप्टर में यूज होगा। सुनो, तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, पहले हमने बनाया किससे, अल्कोहल से बनाया अल्केन, अब हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसे हमें क्या बनाना है, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन बनाना है, ठीक है, CH3Cl टाइप की चीज बनानी है। तो देखो कुछ नहीं करना, इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी Cl2 डालो सनलाइट की प्रेजेंस में या एनर्जी की प्रेजेंट में, थोड़ा सा हीट की, अगर हीट है तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो ऑलरेडी उसमें एनर्जी है ही, तो Cl2H2 डालोगे तो CH3Cl, यानी एक एच जाएगा, एक एच जाएगा और Cl लग जाएगा। देखो एक एच गया, Cl लग गया, अगली बार डाला, अगली बार रिएक्शन हुआ तो देखो CH2Cl2, एक एच गया एक Cl बढ़ गया, अगली बार एच गया एक Cl बढ़ गया, तो 3 हो गए, अगली बार सारे एच चले गए 4 Cl हो गए। इसका नाम है अपना क्लोरोफॉर्म है, इसी को सुंघा के ना वैन में भरते हैं, ठीक है ना, किडनैप करने के लिए जो भी करना होता है इसी का इस्तेमाल करते हैं, करते थे पहले भी। आगे ध्यान दो, अगला क्या है, ऑर्गेनिक, ये जो CCl4 हमने बनाया ना अभी, ये होता है बेटा ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट, मतलब कि अगर तेरे को कोई चीज, ऐसी चीज, जैसे मान लो मेरे को पेंटेन को डिसॉल्व करना है, तो पेंटेन पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, पेंटेन किस में डिसॉल्व होगा, तो पेंटेन इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो बेटा हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है भाई कैसे भी करके मुझे हेलो अल्केन प्रिपेयर करना है, यानी कार्बन और Cl लग जाए, या कार्बन या ब्रोमीन लग जाए, या कार्बन आयोडीन लग जाए। तो अगला मेथड होता है फ्रॉम अल्कीन, यानी डबल बॉन्ड से भी हम बना सकते हैं। कैसे, देखो अगर क्वेश्चन लिखा है तो पहले डबल बॉन्डेड कार्बन को सिलेक्ट करना है, जैसे क्वेश्चन था CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड वाले को ब्रैकेट लगा लिया मैंने, दोनों कार्बन को। अब एक बार आपको मिलेगा सिंपल HBr मिलेगा, या यहाँ पर HCl मिल जाएगा, या मान लो यहाँ पर HI मिल गया, जनरली इन दोनों का मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर हमेशा HBr ही मिलेगा, यहाँ पर हमेशा क्या मिलेगा, HBr। देखो अल्कीन में एक बार ये डालेंगे, अल्कीन में एक बार ये डालेंगे, जब ये डालते हैं तो कौन सा रूल फॉलो होता है, उसको बोलते हैं मार्कोनिको रूल। मार्कोनिको रूल कहता है नेगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ पर कम हाइड्रोजन है। तो मैंने कहा देखो अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैंने डाला HBr, तो AH+ है BR- है,
तो कह रहा है बीआर वहां जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन है, और इन दोनों कार्बन में, इस कार्बन में और इस कार्बन में किसके पास कम हाइड्रोजन है, तो इस वाले के पास कम हाइड्रोजन है। तो मैंने तीन कार्बन ऐसे ही बना दिया और यहां पर लगा दिया बीआर, और हर जगह मैं पूरे कर दूंगा इसके हाइड्रोजन, सबके हाइड्रोजन पूरे कर दो, यहाँ पर एक क्या जाएगा, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। यानी कि जब भी एच बी आर दिखाई दे, एस सी एल दिखाई दे, एच आई दिखाई दे, आपको मार्कोनी को रूल फॉलो करना है, नेगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है, तो कम हाइड्रोजन इन दोनों में से इसके पास था, तो हो गया काम। दोबारा अगर ऐसे क्वेश्चन के अंदर एच बी आर डाल दिया और परोक्साइड के साथ, तो ध्यान रखना लिखा है नेगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो इन दोनों कार्बन में, सुनो, इन दोनों कार्बन में बेटा, एक इस कार्बन में और इस कार्बन में किसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो इस वाले के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव वाले यानी बी आर यहाँ पर जाके लग जाएगा, और बाकी सबके आपको बॉन्ड कंप्लीट कर देने हैं। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनी को रूल, इसको बोलते हैं मार्कोनी को रूल। याद करने का तरीका क्या है, जब परोक्साइड आ जाए, परोक्साइड तो परे हो, बोलते ना भाई तू मेरे से परे हो, दूर हो जा, तो परे मतलब कोने में, तो कोने में लगाना है, जब भी परोक्साइड आ जाएगा कोने में लगाना है, और परोक्साइड ना हो, सिंपल हो, तो बीच में लगेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कराता हूं फिर आप समझ जाओगे। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला स्टेप होता है कि डबल बॉन्ड को सिलेक्ट करना, तो डबल बॉन्ड वाले को सिलेक्ट कर लिया मैंने इजीली। ठीक है, ये ट्रिक है आपके लिए। अब इन दोनों में से रिएक्शन करवाना है, देखो HCl यानी H प्लस Cl माइनस, H प्लस Br माइनस। अब देखो यहाँ पर परोक्साइड नहीं है तो बीच में लगेगा, बीच में मतलब यहाँ पे लगेगा, तो CH3 CH2, इस वाले कार्बन को ऐसे रखो, ये CH3 कर दो, यहाँ पर लगा दो आप Cl, बाकी बॉन्ड पूरे कर दो। अब इसमें क्या है, परोक्साइड यानी परे वाला, परे यानी इन दोनों कार्बन में से इस वाले पे लगेगा, परे वाले पे, तो C यहाँ पर लग जाएगा आपका, Br, और बाकी दो कार्बन पीछे है जिसकी हम बैलेंसी पूरी कर देंगे ऐसे। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई, आई होप। अब आगे बढ़ते हैं, अगला मेथड कुछ देखते हैं, अच्छा से देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अल्कीन से ये बड़ा फेमस मेथड है, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। देखो, जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन में Br2CCl4 डले, तो समझ जाओ ये जो Br है दोनों कार्बन पे लगेगा, इधर भी लगा उधर भी लगा, और बॉन्ड खुल गया, क्योंकि लगा है ना, एक नया बॉन्ड बना है तो ये टूट जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विस डाइब्रोमाइड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगा आप इसको रट लो, अच्छे से रट लो, फिर हम आगे नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं, नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब कुछ नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं, फटाफट कुछ नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं। सुनो, पहला होता है कि फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब बोलोगे सर फिंकलस्टीन, अब याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं, ध्यान रखना। देखो फिंकल में लिखा है आई और एन, आई और एन, तो यहाँ पर डलेगा एन और आई वाला, यानी एन ए आई डलेगा, याद हो गया, आई एन डलेगा, आई एन डलेगा। ठीक है, तो याद हो गया फिंकलस्टीन। अच्छा, आई डल रहा है तो आंसर में आई आएगा। अब सुनो, होता क्या है कि मेरे किचन में मान लो ये पड़ा हुआ है ये मिथाइल क्लोराइड पड़ा हुआ है, किचन में पड़ा है CH3Cl, पर रात को भूख लगता है, भाई मेरा कुछ और खाने का मन है, मेरा आयोडीन खाने का मन है, तो मैं क्या करूँगा, इस हेलोजन को एक्सचेंज करूँगा, तो इसको हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। बात समझ में आ गया, आई होप आपको याद हो गया होगा। अगला क्या है, स्वॉर्ज रिएक्शन। अब स्वॉर्ज रिएक्शन क्या होता है समझना, अब क्या है कि मेरे घर में क्लोरीन पड़ा हुआ है, मेरे किचन में क्लोरीन है, मुझे भूख लगी है फ्लोरीन की, तो भाई मैं क्या करूँ, तो मैं इसमें डालता हूँ AgF, क्या डालता हूँ AgF, तो ये बन जाता है हमारा इजीली। क्या बात समझ पा रहे हो, मैं इस कॉल के बाद आपसे बात करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी बात करते हैं स्वॉर्ज रिएक्शन। देखो, अब मेरे घर में क्लोरीन पड़ा है, मुझे फ्लोरीन चाहिए, तो मैं डालूंगा AgF, इसको बोलते हैं स्वॉर्ज रिएक्शन। आप बोलोगे सर हम तो बुद्धू है, हमें याद ही नहीं होता, तो याद करने का तरीका देखो, यहाँ पर है स्वैग का मतलब हो गया स्वैग, यहाँ से निकाल लो स्वैग। ठीक है, तो स्वैग और यहाँ पर आग फायर, तो स्वैग में क्या डालेंगे हम, स्वैग रिएक्शन में डालेंगे आग फायर, तो फ्लोरीन लग जाएगा, तुरंत याद हो गया। अरे कोई बड़ी बात थी क्या, आप सुनो NCERT में ये भी लिखा हुआ है कि इसकी जगह पर ये सब भी डाल सकते हैं, लेकिन फेमस यही है, जिसको कुछ नहीं आता वो सिर्फ ये पढ़ ले, जिसको आता है वो समझ जाओ, फ्लोरीन डाला है तो फ्लोरीन लग जाएगा, बात खत्म ना यार। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट बेटा, आगे देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लिख के लो एग्जाम में आएगा। अब उससे पहले मैं कुछ बातें याद दिला दूं आपको, ठीक है ना। देखो CN और NO2, इसको रट लो, मैंने कहा रट लो, रट लिया। ठीक है, CN होता है एम्बीडेंटेट, NO2 भी होता है एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट जो दोनों तरफ से रिएक्शन कर सके। देखो ये CN जो है कार्बन की तरफ से भी रिएक्शन कर सकता है और N की तरफ से भी रिएक्शन कर सकता है, तो दोनों तरफ से रिएक्शन कर सकता है, यानी दोनों तरफ से जुड़ सकता है किसी भी कंपाउंड के साथ। वैसे NO2 देखो, NO2 में भी N से भी जुड़ सकता है और O से भी, यानी जिसके टू रिएक्टिव साइट हो उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट। अब ये हम यूज़ करेंगे आगे, पर अभी कुछ कहानी को समझना। अब देखो केमिकल रिएक्शंस, आई होप आपको ये सारा दिख रहा हो, अच्छा दिख रहा है, ऊपर लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब इससे बाहर ना आया है ना आएगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, बस समझना, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझना। देखो
बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो पहला मैंने लिया है कोई कंपाउंड लिया है CH3CH2Cl, साफ दिख रहा है CH3CH2Cl, ये है एक हेलो बेटा फोन स्विच ऑफ हो गया था। देखो दोबारा मैंने यहाँ तक मैंने बताया था आपको कि भाई देखो हमारा अब केमिकल रिएक्शंस पढ़ना हमें। देखो मैंने यहाँ पर लिया है एक हेलो अल्केन CH3CH2Cl। अब करना क्या है बेटा इसमें अलग अलग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है याद कर लेना। देखो अगर मैं इसके अंदर डालता हूँ एक्वस KOH, याद करना एक्वस यानी पानी वाला एक्वस KOH, तो यहाँ पर Cl हट जाता है और OH लग जाता है। OH डाला OH लग गया, इसको बोलते हैं डी हेलोजिनेशन, हेलोजन हट गया, डी मतलब हटना, हट गया। अगला देखो यहाँ पर एल्कोहलिक है, गलती नहीं कर रहा है भाई, वहां पर एक्वस था यहाँ पर एल्कोहलिक है, थम जाओ एल्कोहलिक। तो देखो एल्कोहल मतलब गंदा इंसान, इसने समझ छोड़ो ये सब कहानी कि अल्कोहल में बुरा है तो क्या करेगा ये Cl को भी भगाता है और बगल वाले H को भी भगाता है, तो दो बॉन्ड टूट गए और दो बॉन्ड की पूर्ति करने के लिए ऑटोमेटिक डबल बॉन्ड आ जाएगा ताकि कार्बन के चार हो जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी भागा है और क्लोरीन भी भागा है, यानी हाइड्रोजन भी भागा है हेलोजन भी भागा है, तो इसको बोलते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डी हाइड्रो भी गया हेलोजन भी गया। अच्छा इसी को बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, याद कर लेना। बीटा क्यों, ये पहला होता है अल्फा कार्बन, दूसरा होता है बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन गया तो इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। अगला मैंने क्या कहा था, देखो कि जो केसीएन वाले होते हैं केसीएन वाले वो सी से रिएक्शन भी कर सकते हैं और एन से भी, तो जब अल्कोहलिक केसीएन डालते हैं ना अल्कोहलिक केसीएन तो सी से रिएक्शन करता है और साइनाइड बनेगा, याद कर लो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला बहुत फेमस है, देखो अगर आपने CH3CH2Cl में 2Na डाला, 2Na देखो 2 का मतलब हो गया 2, तो दुगना हो जाएगा ये CH3CH2, CH3CH2, CH2CH3, ये कार्बन दुगने हो जाएंगे और इसका नाम है वुर्ज रिएक्शन। एंड बिलीव मी दिस इज वेरी वेरी फेमस, बिलीव मी दिस इज वेरी वेरी फेमस वुर्ज रिएक्शन, कभी भी कार्बन दुगना करना हो वुर्ज रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो अब यहाँ पर बेटा यहाँ से तगड़ी बातें स्टार्ट होगी, यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उसको भूल जाओ अभी के लिए, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। सुनो जब आपने क्या किया इस CH3, CH2 और Cl वाले कंपाउंड में जब आपने डाला, देखो AgCN क्या डाला आपने, AgCN, तो याद करो CN है या CN, मैंने कहा था CN दो जगह से रिएक्शन कर सकता है C से भी और N से भी, तो यहाँ पर देखो N से रिएक्शन कर रहा है। तो आप बोलोगे सर कैसे याद रखेंगे कहाँ पर किससे रिएक्शन होगा, तो याद करो ये तरीका, अजान जब भी A आ जाए और G आ जाए तो N से रिएक्शन होगा, जब भी Ag आ जाए तो N से रिएक्शन होगा, बात खत्म। देखो यहाँ पर Ag है तो N से रिएक्शन हो गया, दोबारा देखो यहाँ पर Ag है ना Ag, तो N से रिएक्शन हो गया, ठीक है यहाँ पर Ag नहीं है तो C से रिएक्शन होगा, C से आंसर आया। देखो यहाँ पर NaCN है NaCN, दोबारा Ag नहीं है तो C से रिएक्शन होगा, Ag होगा तो N से, यहाँ पर Ag है ही नहीं तो C से रिएक्शन हो रहा है। आगे देखो यहाँ पर देखो KNO2 लिखा है, अब मेरी बात को समझना, अब मैंने कहा था जो NO2 है NO2 वो N से भी रिएक्शन कर सकता है और O से भी रिएक्शन कर सकता है। अब बात आती है कि यहाँ पर तो Ag है तो N से करवा दिया, Ag है तो N से करवा दिया, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर K है, K अगर K है तो हम O से करवाएंगे, O से, तो देखो यहाँ पर O NO आया। ध्यान रखना जब भी Ag हो तभी N से करवाना है वरना उल्टा कर देना, उसके उल्टे से रिएक्शन करवाना। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ, देखो यहाँ पर C से रिएक्शन हुआ क्योंकि यहाँ पर K है Ag नहीं है, Ag होगा तो N से रिएक्शन होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको रट लेना अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जो मर्जी करना है कर लो। बेटा अगला है इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, भाई इसको तो करके जाना है, भाई इसको किसी भी हाल में रट के जाना। देखो SN1 रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन सब समझ में आएगा, बस कुछ कुछ बातें समझ लो। ये होता है यूनिमोलिकुलर, वन का मतलब हो गया सिंगल मॉलिकुलर, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते हैं, ये एक मॉलिक्यूल पर ही डिपेंड करता है। ठीक है और ये होता है बाई मॉलिकुलर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर, ये दोनों मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। ठीक है मतलब रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है, मतलब समझना, देखो बताऊंगा अभी मैं थोड़ी देर बाद, ठीक है ना, मतलब न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है और अल्कलाइड पे भी डिपेंड करता है, बाद में बताऊंगा, चलो बताने की जरूरत भी नहीं है, बस दोनों मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, बात खत्म। आगे सुनो इसमें यूज करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक मतलब जिसमें प्रोटॉन हो जैसे H2O, इसमें यूज करते हैं उसका उल्टा अप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक DMF BMSO, आप याद रखना है तो रखो, नहीं रखना मत रखो, कोई नहीं पूछता, जनरली बहुत रेयर है कि कोई पूछ ले। ठीक है अच्छा ये 2 स्टेप में होता है, देखो याद रखना 1 वाला 2 स्टेप में होगा लेकिन 2 वाला 1 स्टेप में होगा, सिंगल स्टेप में होगा, तो इतना तो मुझे पता है कि आपको पता लग गया, ये तो याद करने वाली बात है।
अब मेन क्या आता है, एग्जाम्पल एंड मैकेनिज्म जो एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो तो अभी हम किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, SN1 की बात करते हैं डिटेल में। देखो SN1 यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो एग्जाम्पल क्या है कि मान लो एक कार्बो, यहाँ पर एक ये CS अल्कलाइड है, उसमें मैंने न्यूक्लियोफाइल डाला, OH- का डाला मैंने, OH-, तो OH- क्या होगा, यहाँ पर CL है ना, CL, उस CL की जगह पर जाके लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कंपाउंड बन सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो बन सकता है ना कि OH- आगे से ना गया हो, इसने मान लो कहीं और से पीछे से अटैच हो जाए। अरे सामने से अटैच हो गया तो पीछे से भी अटैच हो सकता है ना। तो सामने से अटैच होगा तो ऐसा बन सकता है, और पीछे से अटैच होगा तो ऐसा बन सकता है। OH यहाँ पर लगाया, देखे ना, कुछ अलग बात नहीं हुआ, OH यहाँ लगाया। अब इसको पता क्या बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं पता, आगे आपको पता लग जाएगा, वैसे चलो आगे पता लग जाएगा। इसको बोलते हैं रिटेंशन, क्या बोलते हैं, रिटेंशन। आप बोलोगे सर इसको रिटेंशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने सेम पोजिशन को ऑक्यूपाई किया है। देखो जहाँ पर CL था वहीं पर जाके OH लगा है, तो सेम पोजिशन को ऑक्यूपाई किया है, रिटेन किया है। अच्छा अगर पीछे से लग गया तो उल्टा हो गया, इन्वर्ट हो गया, तो इसको बोलेंगे हम इन्वर्जन। क्या बोलेंगे इसको, इन्वर्जन, ठीक है। अब समझो ये तो हो गया भाई एग्जांपल हो गया कि भाई अगर ऐसा कोई चीज़ डालेंगे तो ऐसा आंसर आएगा। अब मेरी बात को समझना, इसका मैकेनिज्म आता है एग्जाम में। मैकेनिज्म दो स्टेप में होगा, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म समझना, मैकेनिज्म ये रहा। अब आप समझना मैकेनिज्म में क्या होता है, स्टेप वन कि जो भी आपने कंपाउंड लिया है, जो भी कंपाउंड लिया है, जनरली स्टेप वन स्लो होता है, स्लो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जनरली ये स्लो होता है, ठीक है। तो देखो ये CH3 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 CL है, तो पहले CL हटेगा। चलो यहाँ पर मैंने CL लिया, यहाँ पर आप CL ले लो, ठीक है। ये CL है, CL, ये मेरे मुंह में ना BR फंसा रहता है हमेशा, BR मतलब BR मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर BR- निकल गया, देखो फिर BR लिख दिया मैंने, CL- निकल गया, समझना। पहला स्टेप क्या होगा कि पहले स्टेप में ये ना CL टूट के निकल जाएगा, फिर हमारे पास मिलेगा कार्बोकैटायन, इसको बोलते हैं कार्बन पे पॉजिटिव है तो कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन पे अटैक होगा, अगर OH- ने इस तरफ से अटैक किया तो ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसको बोलते हैं हम रिटेंशन, रिटेन कर लिया। लेकिन अगर पीछे से जाके अटैक कर दिया, देखो प्लेनर शेप में ना दो तरफ से अटैक पॉसिबल होता है, इसका शेप है प्लेनर, तो दोनों तरफ से अटैक पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर ऐसे अटैक सेम पोजिशन पर लगा तो उसको बोलते हैं रिटेंशन, अगर पीछे लग गया तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन। और अगर इन दोनों का इक्वल मिक्सचर है, 50% ये और 50% ये, तो उसको बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर। मतलब हमें दोनों मिला तो हम बोलेंगे रैसमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे, रैसमिक मिक्सचर। तो क्वेश्चन आता है आप कर लोगे, रैसमिक मिक्सचर क्या होता है, इन्वर्जन और रिटेंशन का 50-50% के मिक्सचर को बोलते हैं हम रैसमिक मिक्सचर, और वो SN1 में मिलता है, ठीक है। अब तो हमने मैकेनिज्म पढ़ लिया, दो स्टेप में होगा, स्टेप वन स्टेप टू, स्टेप वन में टूटा, स्टेप टू में रिएक्शन हुआ, ऐसा आंसर आ गया। आप देखो सुनो छोटी छोटी बातें, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है 3 degree, 2 degree, 1 degree, और ये कौन डिसाइड करता है, तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डिसाइडिंग फैक्टर। देखो 3 degree सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है तो रिएक्शन भी सबसे फास्ट इसी में होगा, फिर 2 degree, फिर 1 degree, जो जितना स्टेबल उतना फास्ट रिएक्शन। अब हम बात करते हैं SN2 की, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लिखते हुए चलोगे। अब देखो SN2 पे आ जाओ, अब SN2 की हमने बहुत सारी बातें करी, अब SN2 में और बातें करो। देखो SN2 में यहाँ तक बात कर लिया, तो सिंगल स्टेप है, इसका मैकेनिज्म बड़ा आसान है। देखो मैकेनिज्म क्या है कि मान लो OH- को जुड़ना है तो OH- जाएगा पीछे से अटैक कर देगा, अगर पीछे से अटैक करेगा तो बीच में एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि अब CL को बाहर निकलने का टाइम आ गया। देखो पीछे से धक्का मारा तो CL बाहर निकलेगा, तो एक टाइम पर आएगा कि जो भी CL था वो बाहर निकल गया, OH पीछे से जुड़ गया, और पीछे से अगर जुड़ा है इस कंपाउंड में OH, तो इसको बोलेंगे इन्वर्जन। क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। अच्छा यहाँ पर कौन सा फैक्टर है जो डिसाइड करता है, भीड़। अगर मान लो OH को पीछे से आना है, अटैक करना है, और यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे H लगा दो, बहुत सारे एच लगा दिया मैंने, बहुत भीड़ कर दिया, तो OH आके कभी अटैक नहीं कर पाएगा और रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा। यानी कि जितनी भीड़ कम होगी उतना रिएक्शन का चांस ज़्यादा है। तो यहाँ पर रिएक्शन किस में ज़्यादा होगा, जिसमें भीड़ कम होगा, तो यहाँ पर देखो उल्टा हो जाता है। देखो 1 degree में सबसे कम भीड़, 2 degree में उससे कम, 3 degree में सबसे ज़्यादा, सॉरी 1 degree में सबसे कम, फिर ज़्यादा, 3 degree में इतना भीड़ होता है कि OH- पीछे से जाके अटैक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है। तो यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस या बल्कीनेस, बल्क, समझे, स्टेरिक हिंड्रेंस यानी भीड़, इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ आपको, भीड़। तो भीड़ डिसाइडिंग फैक्टर है, तो भीड़ सबसे कम 1 में होता है तो पीछे से रिएक्शन हो जाता है, तो 1 degree, 2 degree, 3 degree। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों एक दो क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन कहता है विच इज़ फास्टर टूवर्ड्स SN1, तो SN1 में फास्टर क्या था, 3, 2 degree, फिर 1 degree। तो डिग्री पहचानो, देखो ये जो स्टार वाला कार्बन है वो एक से जुड़ा है, क्लोरीन के बगल वाला स्टार वाला कार्बन होता है ना, तो एक से जुड़ा है तो 1 degree है। अब देखो क्लोरीन ये है तो ये वाला कार्बन हो गया स्टार, स्टार वाला कार्बन कितने जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, तो 2 degree, तो फास्टर कौन होगा, 2 degree वाला, तो ये जीत गया, ठीक है ना, दिस इज फास्टर। अगला देखो अगला, अब ये SN2 पे बोल दिया इसने, तो पहले आप डिग्री पहचानोगे। देखो ये क्लोरीन है
और इसके बगल वाला कार्बन ये है। अब ये जो कार्बन ये स्टार वाला है, तो स्टार वाला कार्बन एक से जुड़ा है। किससे जुड़ा हुआ है? एक से। देखो इसके बगल में कौन है? एक। एक यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 डिग्री हो गया, ठीक है। ये कार्बन होता है कार्बन। अच्छा ये क्लोरीन है, देखो क्लोरीन, ठीक है। अब इस क्लोरीन के बगल में जो कार्बन है, समझना, इस क्लोरीन के बगल में जो कार्बन है, ये स्टार वाला कार्बन हो गया, ठीक है। तो उसके बगल में भी यहाँ पर एक ही कार्बन है। अब तुम बोलोगे सर दोनों ही 1 डिग्री है, दोनों ही 1 डिग्री है, तो कौन सा फास्टर होगा SN2 की तरफ? तो देखो समझना, एक होता है 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। लेकिन बाई चांस मैंने क्वेश्चन ऐसा बनाया है जिसमें ये वाला भी 1 डिग्री कंपाउंड है, ये वाला भी 1 डिग्री कंपाउंड है, तो मैंने कहा था डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है? भीड़। तो यहाँ भीड़ ज़्यादा है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ भीड़ ज़्यादा है, यहाँ भीड़ कम है, यहाँ भीड़ कम है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ज़्यादा रिएक्टिव। जहाँ भीड़ कम होगा वो SN2 में ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अच्छा सर डिग्री वाला क्वेश्चन भी देखो, दोनों ही 1 डिग्री था ना, तो हम ऐसे जज नहीं कर सकते इस वाले फॉर्मूले से, इस तरीके से। तो हमने जज किया भीड़ से, तो भीड़ इसमें ज़्यादा है तो कम रिएक्टिव, कम रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टिव। इसमें भीड़ क्या है? कम। अगर ऐसा क्वेश्चन आता डिग्री वाला, तो अगर ऐसा आता कि भाई एक ये हो गया आपका 3 डिग्री, क्लोरीन है यहाँ पे, ठीक है 3 डिग्री, और एक ऐसा आ जाए कार्बन, कार्बन, ठीक है ना, यहाँ पर H और एक क्लोरीन, तो देखो ये आपका 3 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है। अब पूछे SN2 में फास्टर कौन होगा, तो 2 डिग्री वाला। क्यों? यहाँ भीड़ ज़्यादा है, यहाँ भीड़ कम है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन, यानी ऐसे कंपाउंड चाहिए हमें, अरेन वाले, अरेन वाले, एरोमेटिक वाले, ठीक है ना। क्लोरीन हो इधर, हो ब्रोमीन हो या कुछ भी हो, बेंजीन का न्यूक्लियस हो, है ना, ये भी रिंग भी होना चाहिए। तो ऐसे के लिए क्या क्या तरीके हमारे पास, ठीक है ना। उसके लिए देखो हमारे पास तरीका है ये, देखो फ्रॉम बेंजीन, हम बेंजीन से बना सकते हैं। देखो एक छोटी सी बात याद कर लो, छोटी सी बात क्या याद करना है, जो AlCl3 होता है ना, AlCl3, इसका जो Cl होता है Cl, Al के पास ना 3 Cl है, कितने, और हर कोई चाहता है 4 Cl, तो ये ना देखो AlCl3 है, AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3, तो ये जो AlCl3 में ना ये एक Cl को खा लेगा, अगर एक Cl को खा लेगा तो एक Cl बचेगा जो इस पे लग जाएगा। देखो यहाँ पर 3 Br है, एक Br यहाँ से मिलेगा, ताकि 4 हो जाए तो बचा हुआ Br यहाँ लग जाएगा, वैसे ही, ठीक है ना। सेम यहाँ पर डार्क का भी कॉन्सेप्ट यही है कि एक Br आपका यहाँ लग जाता है, इसे रट्टा मारना है। ट्रिक क्या बन गया कि AlCl3 के 3 बॉन्ड है, ये 4 चाहता है, 4 के लिए एक लेगा, एक वहाँ पर चला जाएगा। अरे 4 में से एक चुरा लेगा ना ये, मतलब 3 है 4 के लिए एक चुरा लेगा, वैसे इसका 3 है एक चुरा लेगा, तो Br वहाँ लग जाएगा। तो यार पहला मेथड है। दूसरा मेथड देखना, समझना, हमारे पास यही है पूरे हमारे ऑर्गेनिक में इस वाले से, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको है ना BDC बोलते हैं प्यार से, BDC, और ये बहुत ही मस्त चीज़ है, इसको हम बोलते हैं साउथ का हीरो, ये मैंने बोला है साउथ का हीरो, जो कुछ भी कर सकता है, जो हवा मारे तो कुछ भी हो जाए, जो लात मारे तो धरती फट जाए, तो ऐसा ही कुछ है। इसको साउथ का हीरो मैंने क्यों बोला है समझना बेटा, साउथ का हीरो इसलिए बोला ना इसका, देखो अगर तुम्हें चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, हेलो अरेन चाहिए, यानी हेलोजन चाहिए और बेंजीन रिंग चाहिए, तो साउथ के हीरो से हम बहुत सारे मेथड है हमारे पास। देखो पहला क्या है, मान लो मैंने इसके अंदर डाल दिया KI, क्या डाल दिया KI, तो आयोडीन लग गया। देखो इसमें डाल दिया मैंने Cl2SCl, तो क्लोरीन लग गया, मतलब BDC में, BDC ऐसा कंपाउंड है, साउथ का हीरो ऐसा कंपाउंड है, N2+Cl- वाला ऐसा कंपाउंड है, जो डालोगे लग जाएगा। मैंने Cu2Cl2 डाला तो ये Cl लग गया, Cu2Br2 डाला तो Br लग गया, जो डालोगे लग जाएगा, Br डाला Br लग गया, इसको बोलते हैं सेंट मियर रिएक्शन। अब याद रखना सेंट मियर रिएक्शन इसको बोलते हैं, याद रखना, याद करने का तरीका क्या, देखो यहाँ पर हो गया, ठीक है ना, कबर, तो सेंड, सेंड मतलब रेत, रेत किस में होता है, कबर में होता है, तो कबर में, दो कबर में, ऐसे याद कर लेना, तो सेंट मियर रिएक्शन हो जाएगा जिसमें Br लगता हो। अच्छा अगर इसके अंदर मैंने ये डाला, देखो सुनो, अगर इस कंपाउंड के अंदर मैंने ये डाला, क्या डाला मैंने इस कंपाउंड के अंदर, मैंने डाला ये रहा HBF4 और हीट कर दिया तो फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। क्यों? आपने फ्लोरीन डाला, फ्लोरीन लग गया किस अंदर, BDC के अंदर, तो इसको बोलते हैं वाल्ज शाइमन रिएक्शन, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। आगे देखो, अगर इसी कंपाउंड के अंदर KI, तो मैंने बता दिया, चलो KI बता दिया मैंने, इसी कंपाउंड के अंदर अगर मैं डालता हूँ कॉपर SCl, तो देखो क्लोरीन लग गया। अगर इसी कंपाउंड में डालूं मैं कॉपर और HBr, तो ब्रोमीन लग गया, इसको बोलते हैं गटरमैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? गटरमैन रिएक्शन, ध्यान रखना, सैंड मेयर रिएक्शन में ये वाला है, गटरमैन रिएक्शन में ये वाला है। अच्छा सैंड मेयर में क्या हो गया, दो दो, यहाँ पर क्या है, देखो सिर्फ कॉपर है, कॉपर है, ठीक है, सिंपल एसिड डाला है, सिंपल, ठीक है, ध्यान रखना, मतलब ट्रिक क्या हो गया, कबर, क और बर जिसमें साथ में आए वो होता है सैंड मेयर, सैंड मतलब मिट्टी, रेत, कबर, कवर में रेत, कवर में रेत, ऐसे रिलेट कर लेना, याद रहेगा, ठीक है, अच्छे लंबे समय तक। इस प्रकार से हमने प्रिपरेशन पढ़ लिया हेलो अरेन का, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
बेटा अभी हमने हेलो अरेन्स की प्रिपरेशन पढ़ ली, यानी कि बेंजीन के साथ क्लोरीन वाले कंपाउंड की प्रिपरेशन पढ़ ली, आयोडीन वालों की पढ़ ली, सबकी पढ़ ली। अब आ जाती है इसकी रिएक्टिविटी। प्रिपरेशन के बाद रिएक्टिविटी तो ध्यान रखना, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव। बोलोगे सर क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं, बताओ सर हमें बताओ। ध्यान रखना ये ना यहाँ पर होता क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर के कारण। देखो क्लोरीन या ब्रोमीन या कोई भी हो, उनके लास्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। 7 में अगर एक बॉन्डिंग में है तो 6 फ्री होंगे। फिर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से ना नीचे आते हैं रेजोनेंस में, जिसकी वजह से यहाँ पर ना अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो एक बॉन्ड बन जाएगा बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मतलब एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर अराइज होता है। उसके आने की वजह से क्या होता है, जो बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाता है। अगर ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो रिएक्टिव कैसे हो पाएगा, तो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं ये। अब ध्यान दो, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, क्वेश्चन ये समझना इसको अच्छे से। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है देखो हमने लिया यहाँ पर समझना क्लोरोबेंजीन लिया और इसमें डाल दिया NaOH। अगर हमने OH डाला है तो हमें OH मिलना चाहिए हमें यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि सर ने पीछे बताया था यहाँ पर एक्चुअली में डबल बॉन्ड है जो दिखाई नहीं दे रहा पर है। जिस डबल बॉन्ड के कारण क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। अगर ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा, फिर ये OH यहाँ पर लग नहीं पाएगा। जब Cl जाएगा ही नहीं तो OH लगे कैसे, Cl नहीं जाएगा तो OH वहाँ पर नहीं लगेगा, तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता। तो हमने क्या सोचा, हमने कहा हम तो जिद्दी इंसान हैं, हम रिएक्शन करवा के रहेंगे। तो रिएक्शन करवाने के लिए हमने क्या किया बेटा, हमने सेम कंपाउंड के अंदर, क्लोरीन वाले कंपाउंड के अंदर, हमने टेम्परेचर को कर दिया 623 केल्विन, प्रेशर को बढ़ा दिया, ताकि ऐसा मान के चलो ट्रिक के तौर पे, ताकि ये वाला बॉन्ड जो है ना, डबल बॉन्ड जो आया था वो वीक पड़ जाए, वो डबल बॉन्ड वीक पड़ जाए, इसलिए हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। और देखो क्लोरीन यहाँ से हट गया, और क्लोरीन हट गया तो OH यहाँ पर लग गया। पिछले में क्या हो रहा था, क्लोरीन हट नहीं सकता, डबल बॉन्ड है तो OH वहाँ पर लग नहीं सकता, वो रिएक्शन हो नहीं सकता। फिर हमने क्या सोचा, हमने कहा अच्छा इस बॉन्ड को वीक ही तो करना है, तो अगली बार देखो हमने क्या किया, ये जो क्लोरीन में यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसको वीक करने के लिए हमने क्या किया, समझना, NO2 लगा दिया। क्या लगा दिया, NO2 क्या करता है, रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। कैसे, NO2 मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच लेगा, NO2 ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच लेगा। NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, जिससे क्या करता है, ये वाले बॉन्ड को वीक कर देगा। ऐसा हम ट्रिक बना के समझ रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, तो इस बॉन्ड को वीक कर देगा। तो अब मैं कम टेम्परेचर दूंगा, एसिडिक मीडियम, एसिडिफिकेशन करना पड़ता है, आपकी मर्जी है। तो 443 केल्विन पे कम टेम्परेचर पे काम हो गया, OH लग गया। देखो Cl हट गया, OH लग गया। अगली बार देखो मैंने दो NO2 लगा दिया, एक NO2 यहाँ, एक NO2 यहाँ, तो और कम टेम्परेचर पे मेरा काम हो गया, यहाँ पर मुझे OH मिल गया। मतलब Cl हट गया और OH लग गया, हम रिएक्टिविटी देख रहे हैं, रिएक्टिविटी। अगली बार देखो, अगली बार मैंने क्या कहा, अगली बार मैंने तीन NO2 लगाया। अब तीन NO2 लगाने से क्या हो गया, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ये वाला बॉन्ड इतना वीक हो जाएगा कि आप कुछ भी मत करो, बस गर्म पानी डाल दो, आपका OH आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्या बात समझ में आई, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। देखो ये कम रिएक्टिव होते हैं, Cl हटता नहीं है, कुछ और लग सकता नहीं है। तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो लग गया, पहले केस में टेम्परेचर को बढ़ाया था तो लग गया, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ा के किया तो लग गया, सबसे ऊपर वाले केस में, ठीक है ना, इस वाले केस में। उसके बाद हमने सोचा कि चलो NO2 लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन खींच के बॉन्ड को वीक करेगा, तब OH लगना स्टार्ट हो गया। और लास्ट में जब हमने बहुत सारे NO2 लगा दिया, NO2 क्या होता है, NO2 होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिसके कारण ये बॉन्ड इतना वो हो जाएगा, वीक हो जाएगा कि ईजिली हमारा रिएक्शन हो जाएगा। फिर हम लास्ट इसका और देखते क्या करना है हमें फटाफट। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, अगर तुमने इसको याद कर लिया तुम बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। देखो ये बहुत ही जनरल बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ये हर जगह मान लो कि चलो आपके लेवल पे फिट हो जाएगा। सुनो, कभी भी यहाँ पर ग्रुप दिखाई दे, ग्रुप और सिंगल बॉन्ड हो, जनरली क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो जनरली, सुनो क्या बोला मैंने, सिंगल बॉन्ड हो और एक ग्रुप दिखाई दे जनरली, और सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ पर दो होना चाहिए कम से कम दो, और डबल बॉन्ड हो, मैं एग्जांपल से बताऊंगा, या जनरली ऑक्सीजन हो, मतलब डबल बॉन्ड तो पक्का होना चाहिए, देखो डबल बॉन्ड नहीं होगा तो काम नहीं होगा, डबल बॉन्ड दिखाई दे या जनरली ऑक्सीजन दिखाई दे, तो आपको रिएक्शन हमेशा मेटा पे करवाना है। अगर ऐसा कुछ दिखाई दे, ऐसा कुछ सिंगल बॉन्ड दिखाई दे या इलेक्ट्रॉन वाले दिखाई दे, कुछ भी लाइक क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसमें क्या करना है, ऑर्थो और पैरा पर रिएक्शन करवाना है। अभी आपको समझ में आएगा कुछ क्वेश्चन के साथ, अभी बस धैर्य रखो, धीरज रखो, धीरज। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, जैसे इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिखाई दिया, एक ग्रुप क्लोरीन, यहाँ कोई डबल बॉन्ड तो बनने का चांस ही नहीं है। देखो इस क्लोरीन, ये तो अकेला क्लोरीन है ना, अकेला क्लोरीन, तो यहाँ पर मैं समझ गया ठीक है ये क्लोरीन है,
आप समझना, क्या क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन होता है? हाँ जी इलेक्ट्रॉन होता है, तो किससे मैच कर रहा है? इस वाले से मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, तो रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पे करवाना है। देखो तो मैंने इसमें डाला CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3। देखो यहाँ पर तीन क्लोरीन है, एक क्लोरीन को ये खा जाएगा, बचेगा CH3, तो वो CH3 कहाँ जाएगा? तो मैंने कहा था याद करो इस पे और इस पे रिएक्शन करवाना है, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं पैरा। तो ऑर्थो और पैरा पे चला गया, ऑर्थो और पैरा, पीछे मैंने बताया ऑर्थो पैरा, ठीक है ना, ऑर्थो और पैरा पे चला गया। अब ये देखो यहाँ पर एक कार्बन है और ऑक्सीजन भी है, तो आपको बताना चाहिए। देखो CHO में ना ऐसा होगा, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, एक्चुअली में ऐसा होता है, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है। और पीछे ट्रिक हमारा कौन सा था? ट्रिक ये था कि डबल बॉन्ड दिखाई दे या ऑक्सीजन दिखाई दे आसपास, तो समझ जाओ कि मेटा पर रिएक्शन होने वाला है। तो देखो मेटा पर रिएक्शन होने वाला है कैसे, देखो तो मैंने यहाँ पर रिएक्शन करवा दिया, ठीक है ना, क्योंकि ये एक Cl को खा जाएगा और बचा हुआ CH3 कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगले में देखो क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है देखो हमारे पास क्या कंपाउंड है, हमारे पास है ये CH3। देखो यहाँ पर CH3 है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बना रहा है, तो ये हो गया ये वाला कि यहाँ और यहाँ रिएक्शन करवाओ, सिंगल बॉन्ड वाला यहाँ यहाँ रिएक्शन करवाएगा, या फिर ये ऐसा बंदा जो इलेक्ट्रॉन, छोड़ो ये सब बातें, मैंने ट्रिक बताया, ट्रिक पर जाओ। अगर सिंगल बॉन्ड दिखाई दे आसपास इसके, तो कहाँ पर होगा? ऑर्थो और पैरा पर। अगर पहले वाले के आसपास डबल बॉन्ड दिखाई दे या ऑक्सीजन दिखाई दे, पहले वाले के बाद ऑक्सीजन दिखाई दे या डबल बॉन्ड दिखाई दे, तो समझ जाओ मेटा पर होगा। अब देखो क्वेश्चन में देखो, क्या यहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा? हाँ, तो ऑर्थो और मेटा पर रिएक्शन करवा दिया। क्या करवा दिया? देखो ये जो Cl है ये खा जाएगा, अब बचा हुआ जो कंपाउंड है, बचा हुआ वो कहाँ लग जाएगा? यहाँ से लगेगा, यहाँ से, यहीं से टूटा है ना, जहाँ से टूटता है वहीं से लगता है, तो यहाँ से C डबल बॉन्डो CH3 यहाँ लग गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई देखो NO2 है, तो आप समझ गए यहाँ पर N है और ऑक्सीजन है, तो ये पक्का वो वाला केस हो गया कि G1, ठीक है, और दूसरा ऑक्सीजन। याद करो G1 हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, या फिर ऑक्सीजन हो, यहाँ पर क्या हो? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वाला केस आ गया, अगर ये ऑक्सीजन वाला केस है तो पक्का समझ जाओ मेटा पर रिएक्शन होगा, मेटा पर, और मेटा मतलब यहाँ पर रिएक्शन हो गया। क्यों? ये एक Cl खा गया और बचा हुआ कंपाउंड मेटा पर जाके लग गया। ऐसे में बहुत सारे रिएक्शन लिखता हूँ, इस प्रकार से हम चैप्टर का ऑलमोस्ट सारे मेजर पार्ट कवर कर लेंगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों कुछ रिएक्टिविटी देखते हैं, ध्यान रखना, देखो दोबारा सुनो, दोबारा क्या है यहाँ पर? नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 को ऐड करना, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत बेसिक है ये। अब समझना छोटी सी बात क्या है, ये कैसा बंदा है? ये ऐसा बंदा है जो इलेक्ट्रॉन वाला है, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, अगर यहाँ पर आसपास डबल बॉन्ड नहीं है तो ये यहाँ रिएक्शन करवाएगा, यहाँ रिएक्शन करवाएगा, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं पैरा, मैंने लिखवाया था पीछे देखो, तो ऑर्थो और पैरा पे आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। देखो क्लोरीन देखो ऊपर तो सेम ही है, नीचे ऑर्थो पैरा पर रिएक्शन हो गया, बात खत्म। अगली बार देखो, अगली बार सल्फोनेशन का मतलब होता है SO3H को लगाना, सल्फोनेशन का मतलब होता है SO3H का लगाना। अब दोबारा देखो ये कैसा बंदा है, ये क्लोरीन बंदा है, ये ऐसा बंदा है जो यहाँ और यहाँ पर रिएक्शन करवाता है, तो यहाँ और यहाँ पर रिएक्शन हो गया। अच्छा अगला है फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। अब फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है समझना, देखो ये क्लोरीन वाला बंदा है, ये क्लोरीन वाला बंदा है, कहाँ पर रिएक्शन करवाएगा? यहाँ रिएक्शन करवाएगा। अल्काइलेशन का मतलब क्या है, इसमें अल्काइल डालेंगे, अल्काइल मतलब CH3 डालेंगे या CH3CH2 डालेंगे, अल्काइल डालेंगे। तो CH3 डाला हमने, Cl है ये वाला, AlCl3 पता ना आपको, इसके तीन बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है? तीन, तो चार बनाने के लिए इसको खा जाएगा, अगर खा जाएगा तो बचा हुआ CH3 कहाँ जाएगा? ऑर्थो पर और पैरा पर, याद करो यहाँ पर जाएगा, तो दो आंसर आएंगे इसके, एक ये और एक ये, क्या बात समझ में आ गया? अगली बार होता है फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन, असाइलेशन का मतलब क्या है? एसिटिक एसिड वाला, अरे एसिटिक एसिड सुना है ना, CH3COOH, तो ये वाला पार्ट डालना है हमें एसिटिक एसिड का, है ना, तो असाइलेशन में क्या होता है ध्यान देखना, ये असाइलेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें इस कंपाउंड को इसके साथ डालते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा और ये बचा हुआ कंपाउंड जो होगा कहाँ कहाँ जाएगा? देखो ये क्लोरीन है, क्लोरीन, तो ये यहाँ और यहाँ लगाएगा, यानी कहाँ कहाँ लगाएगा? ऑर्थो और पैरा पर, तो एक बार ऑर्थो पे लगा दिया, एक बार पैरा पे लगा दिया, तो इस प्रकार से हमने ये कर लिया। अब हमें लास्ट रिएक्शन देखना है चैप्टर का, फिर मजा आ जाएगा। देखो बड़ी मेहनत की है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ऑनेस्टली ईमानदारी से, देखो भगवान देख रहा है, कोई देखे ना देखे भगवान देख रहा है, बाकी मैं तो देखो अगर नहीं भी हुए मेरे सब्सक्राइबर तभी मैं मेहनत करूँगा ही, मेहनत ही इंसान को कामयाब बनाता है, ठीक है, तुम्हें ही पता मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो मैं कुछ चाहता हूँ, ठीक है ना, सुनो अब ध्यान से। तो ये फिटिंग रिएक्शन समझना, फिटिंग में क्या होता है, जैसे कि आपने वुर्ज रिएक्शन लिया था, वुर्ज में पता क्या था, वुर्ज में था कि CH3Cl लिया, उसमें 2N डाला
टू एने डाला ट्राई सर के साथ, तो मतलब टू दिख जाए टू, कभी भी टू एने दिख जाए दुगना कर दो, तो आपने बना दिया था इसको सी एस थ्री याद करो। अरे ऐसा कुछ था, ऐसा लिया था मैंने CS3, CH2 और CL और 2NA लिया था 2NA, तो ये दुगना हो गया था, दुगना याद करो। तो यहाँ पर क्या फिटिंग में ना, फिटिंग बेंजीन वाले के लिए होता है, फिटिंग किसके लिए होता है, बेंजीन वाले के लिए। अब देखो क्लोरोबेंजीन में अगर मैं 2NA डालूंगा, 2NA तुम तो भूल जाओ, 2 डालोगे दुगना हो जाएगा, दुगना हो गया, देखा दुगना हो गया ना। वैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे को दोनों को कंबाइन करना है, मैंने कहा जैसे आपने वुर्ज पढ़ रखा है, फिटिंग पढ़ लिया, आप दोनों को कंबाइन कर दो, तो कहलाएगा वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। अब देखो वुर्ज फिटिंग रिएक्शन में कैसे याद रखना है, देखो वुर्ज फिटिंग में पहले वुर्ज का ले लो, वुर्ज ऐसा होता है, अरे वुर्ज में आपने कैसा लिया था, ऐसे कंपाउंड लिए थे ना कुछ अल्काइल वाले, CH3Cl टाइप के कंपाउंड वुर्ज ले लिया, फिटिंग में आपने बेंजीन वाला कंपाउंड लिया और 2NA डाल दिया, डाल दिया 2NA, तो 2NA में क्या होता है, दोनों जुड़ जाते हैं, अगर अकेला हो तो दुगना हो जाएगा, पर यहाँ पर ये दोनों है तो क्या होगा, ये CH3 और ये बेंजीन आपस में यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना जब भी टू दिखे तो दो आपस में जुड़ जाते हैं, पहले क्या था अकेला था तो ये आपस में ही जुड़ गए थे, पर यहाँ पर दोनों साथ में हैं तो दोनों साथ में ही जुड़ जाएंगे। टू का मतलब आंसर में दोनों दिखने चाहिए, टू का मतलब आंसर में दो दिखने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को कर लिया बड़े ईमानदारी से, सारे मेजर पार्ट, सारे रिएक्शन कर लिए, छोटी मोटी बात जो भी है, आप छोटी मोटी बेसिक बातें तो आप जानते ही होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा भाई, प्लीज़ समझ गया ना।